और चलिए अब बात करते हैं चुनाव के निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी का आज भी तूफानी प्रचार है। मुरादाबाद से आज चुनाव प्रचार की सीएम योगी शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी और कुछ ही देर में सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के समर्थन में ये रैलियां हो रही हैं और निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी का आज भी तूफानी दौरा चल रहा है। मुरादाबाद से आज चुनाव प्रचार की सीएम योगी शुरुआत करेंगे और थोड़ी देर में मुरादाबाद के रामलीला मैदान में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कुछ देर में सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है निकाय चुनाव में और हर जिले में वो पहुंच रहे हैं। लोगों से अपील कर रही है कि डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो विकास के लिए जरूरी है और आज वो मुरादाबाद में जनसभा करेंगे। और देखिए कहां कहां प्रचार कर चुके हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन में तीन तीन चार चार जिलों में मुख्यमंत्री जा रहे हैं और ताबड़तोड़ प्रचार हो रहा है और आज मुरादाबाद में सीएम पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव में पहली बार मुरादाबाद पहुंच रहे हैं और यहां भाजपा प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के लिए वो चुनावी जनसभा करेंगे। लेकिन अतीक अशरफ की हत्या के बाद से मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मीडिया की चेकिंग खासतौर पर बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से हर आने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ जो मीडिया के कर्मचारी हैं उनके बैग और उनकी जो यूनिट है उसको स्कैन करने के लिए बाकायदा स्कैनर लगाया गया है। जिस तरह से एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है उसी तरह से यहाँ पर मीडिया के जो बंधु हैं वो जब आएंगे तो उनका पूरा सामान जो है वो यहाँ पर स्कैन किया जाएगा और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर स्कैनिंग मशीन के साथ में सुरक्षाकर्मी जो हैं वो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वो नोट किए जा रहे हैं और खुद एसएसपी मुरादाबाद मौके पर खड़े हुए हैं कि जो वीआईपी लोग हैं, वीआईपी नेता हैं या जो मीडिया के कर्मचारी हैं, क्योंकि वो बहुत मंच के करीब आ जाते हैं। वीआईपी जो नेता होते हैं या मीडिया कर्मचारी होते हैं वो मंच के करीब होते हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसके लिए यहाँ पर सख्त चेकिंग की जा रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, हर पुलिसकर्मी की जो पहचान पत्र है वो सामने लगा दिए गए हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी लगाई गई है। तो मुख्यमंत्री आपसे थोड़ी देर बाद मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को रामलीला ग्राउंड में संबोधित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था हमने आपको दिखाई कि किस तरह से सख्त सुरक्षा व्यवस्था है और सख्त चेकिंग की जा रही है। फैजुर रहमान नेटवर्क। तो मुरादाबाद की चुनावी जंग में मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं, जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए आपको दिखा देते हैं कि कौन मुरादाबाद में प्रत्याशी। देखिए मुरादाबाद मेयर प्रत्याशी भाजपा से विनोद अग्रवाल हैं, सैयद रईसुद्दीन नईमी हैं सपा से, मोहम्मद यामीन बसपा से हैं और हाजी रिजवान कुरैशी कांग्रेस से। तो ये चार उम्मीदवार हैं जिनके बीच टक्कर है और विनोद अग्रवाल जो भाजपा से मेयर प्रत्याशी हैं उनके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुँचने वाले हैं और वहाँ पर उनके समर्थन में वो प्रचार करेंगे। तो मुरादाबाद पर आज निगाह है और मुरादाबाद दौरे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खराब मौसम के कारण सीएम की रैली में देरी हो रही है। मौसम खराब होने के कारण अब तक मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेता मंच पर मौजूद हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री का जो चौपर है वो नहीं पहुँच पाया है अभी और इंतजार उनका हो रहा है। तो जिस तरीके से आजकल बारिश का दौर चल रहा है उन सब बीच खराब मौसम के चलते सीएम के पहुंचने में देरी हो रही है। खराब मौसम के कारण सीएम अब तक नहीं पहुँच पाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई नेता मंच पर मौजूद हैं। और एक बड़ी सियासी खबर का रुख करते हैं। सपा बसपा में भाजपा ने सबसे बड़ी सेंधमारी की है। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सचान भाजपा में शामिल हो गए हैं। सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रहे मोहिश त्रिवेदी शामिल हुए हैं। सपा के सात बार के विधायक और मंत्री रहे नरेंद्र सिंह यादव भाजपा में शामिल हुए। फरुखाबाद की जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव भाजपा में शामिल हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा ने निर्दलीय के तौर पर मोनिका यादव का समर्थन किया था। मोहिश त्रिवेदी के बारे में बता दें कि वो टिम्बर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय रामपाल त्रिवेदी के प्रपौत्र हैं। तो बड़े बड़े जो चेहरे हैं उनको भाजपा में शामिल कराया गया है। अच्छा काम करने का अवसर इन सबको मिलेगा, पार्टी को मजबूती मिलेगी। हम पार्टी में हृदय से स्वागत करते हैं आप सभी का और भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी एक विशाल परिवार की तरह आपको अपने में समाहित कर रही है और हम ये विश्वास करते हैं कि पार्टी के रीतियों नीतियों के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय
मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जो डेवलपमेंट की योजना है, जो कानून व्यवस्था है, हम घर घर पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश को पूरे देश का नंबर एक का प्रदेश बनाने में हम सब जी जान से जुटेंगे। सही ढेर सारे साथी आए हैं हजारों की संख्या में, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। अखिलेश यादव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सियासी वार किया है। निकाय चुनाव में अखिलेश पूरी तरह कंफ्यूज है, समाजवादी पार्टी को जनता नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव केवल फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, मेट्रो में प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मेट्रो में आज अखिलेश यादव जनसंपर्क करने जा रहे हैं, उस पर भी ब्रजेश पाठक ने सियासी हमला किया है। एक तरफ बीजेपी लगातार दूसरे दलों में सेनमारी कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव आज लखनऊ मेट्रो में प्रचार करेंगे। मतलब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप तो लगातार हम देख रहे हैं ज्वाइन करा रहे हैं दूसरे दलों नेताओं को, प्रचार भी कर रहे हैं। मैं सभी का स्वागत है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में भरोसा रखते हैं, बीजेपी की नीतियों में भरोसा रखते हैं और भारत माता को और मजबूती देखना चाहते हैं, सभी लोगों का बीजेपी में स्वागत है। अखिलेश यादव आज मेट्रो में प्रचार करें मतलब नहीं है, और जनता ने उनको बुरी तरह समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। कह रहे मेट्रो हमने बनवाई, हमने चल खिंचाने के लिए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वो कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं, कई जगह सिंबल है, वो लड़ रहे हैं, कोई निर्दल को समर्थन, पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल फोटो खिंचाने के लिए अखिलेश यादव वो मेट्रो में जाएंगे, प्रचार करेंगे, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बुरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। क्या से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला भी गंगा लखनऊ। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के सजार ने भी भाजपा ज्वाइन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश का विकास किया। के सचान ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। हमारे साथ के सचान है, उनसे जानेंगे। सचान साहब, आप भी आज आपने बीजेपी का ये पटका भी पहन लिया, लंबे समय तक आप बसपा में रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, क्या नाराजगी की वजह क्या है? कोई नाराजगी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपना यूपी में और कुछ प्रदेशों में काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। और अगर किसी व्यक्ति को पूरे देश में, देश के विकास में लगना है, देश के काम करने हैं और सिस्टम को डेवलप करना है जो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं डेवलप हो पाया है, तो माननीय मोदी जी को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जन जन को इस पे ध्यान देना चाहिए। कि जो लोग बसपा छोड़ के आते हैं, हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बहन जी अपने मिशन से भटक गई हैं, आपको भी ऐसा लगता है? मैं बहन जी के संबंध में कि मिशन से भटक गई हैं या क्या हुआ है, इन सब पर संबंध में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से सहमत हैं, मैं उन नीतियों को अडॉप्ट कर रहा हूँ, मैंने दिल में रखी हुई है, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं सपा नेता मोनिका यादव ने भाजपा ज्वाइन की है। नगर पंचायत के चुनाव में मोनिका यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इस दौरान भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था और अब वो औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या जी, समर्थन तो बीजेपी ने आपका 2021 में कर दिया था, ज्वाइन आज आप कर रही हैं बीजेपी? मैं तो उस जिस दिन से मैं अध्यक्ष बनी हूँ और बीजेपी के समर्थन से, मैं हमेशा से पार्टी के साथ ही हूँ और हमेशा उसी तरीके से आज हमने औपचारिक रूप में ज्वाइन किया है। पूरा परिवार आपका समाजवादी परिवार रहा, और आपके परिवार का हम कहें फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, आसपास के जो ज़िले, वहाँ पर एक प्रभाव भी रहा है, तमाम लोग रहे, आपके पिताजी खुद वहाँ पर विधायक रहे, क्या क्या उनकी क्या नाराज़गी हो गई वो भी अचानक से आज बीजेपी में आ गए? देखिए, मैंने हमेशा अपने पिता को, मेरा कार्यकाल ज़रूर नया रहा लेकिन मैंने पिता को बचपन से देखा है कार्य करते हुए, और उससे पहले हमारे ग्रैंडफादर, तो जिस तरह से ज़मीनी नेता कहा जाता है, जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना, उनसे जुड़ के उनकी हर तकलीफ दुख दर्द समझना, तो उसी कार्यशैली पे हम लोग काम कर रहे हैं आज भी। तो जब हमें लगता है कि उस जनता का सम्मान नहीं हो रहा है, जो लोग जुड़े हैं आपसे और जो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से हम लोग उनका सहयोग करें और साथ दें और उन्हें मजबूती से खड़ा करें, तो जब वो दिख रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो फिर हमें उस चीज़ का स्टैंड लेना पड़ेगा। भाजपा में शामिल होने वालों की लिस्ट में मोनिका यादव के भाई सचिन यादव का भी नाम शामिल है। सचिन यादव ने भी भाजपा का दामन थाम लिया। सचिन जी, आप भी आज साइकिल छोड़ के कमल का फूल आपने थाम ली? चूंकि परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि पुरानी रही और ऐसे संस्कार मिले कि जब भी गलत निर्णय किसी का भी रहा हो तो उसका समर्थन नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में सन 2014 में जब एक ऐसे प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी ने जनपद फर्रुखाबाद में थोपा जो
ना केवल अपराधी थे, कार्यशैली उनकी बहुत खराब थी और जहां से जिस जनपद से वो आते थे वहां के लोग उनसे दुखी थे। और ऐसे व्यक्ति को ज़बरदस्ती जनपद फर्रुखाबाद में थोपने का काम जब समाजवादी पार्टी ने किया तो उस वक्त भी हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के इस निर्णय का विरोध किया था और निरंतर ये महसूस किया 2014 के बाद कि समाजवादी पार्टी गलत लोगों को, अपराधी छवि वाले लोगों को, अराजक तत्व के किस्म के लोगों को बढ़ाना चाहती है और समाज में अच्छे चेहरों को वो जनता के बीच में नहीं लाना चाहते। बड़ी खबर हरिद्वार से, भाजपा नेता संगीत सोम ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। सपा बसपा पर संगीत सोम ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि माफिया को बढ़ावा देती है सपा और बसपा, भाजपा ने माफिया का सफाया कर दिया, जनता भाजपा के साथ है। तो देखिए, साधु संतों से मिलने के लिए संगीत सोम पहुंचे थे और उससे पहले उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपने विकास पर चुनाव जीत रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज आप देख रहे हैं। हर आदमी इन पार्टियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा ने उत्तर प्रदेश में अगर किसी को पनपाया तो वो केवल माफिया थे और उन माफियाओं का सफाया अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसीलिए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को सब लोग वोट दे रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है कानपुर से, जहां पर ई रिक्शा को कार ने टक्कर मार दी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई। 6वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा की मौत हुई है। बच्चों को स्कूल लेकर ई रिक्शा जा रहा था। कानपुर के विष्णुपुरी इलाके में हादसा हुआ है। हादसे के बाद ई रिक्शा सवार मौके से फरार हो गया तो कार सवार ने टक्कर मार दी और एक कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची की मौत हो गई। देखिए, यही वो कार है जिसने ई रिक्शा को टक्कर मारा था और इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई। कक्षा 6 में बच्ची पढ़ती थी। बच्चों को स्कूल लेकर ई रिक्शा जा रहा था। कानपुर के विष्णुपुरी इलाके में हादसा हुआ। हादसे के बाद ई रिक्शा सवार फरार हो गया। तो यही वो ई रिक्शा है और जो कार है उसने टक्कर मारी। रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, जिस तरीके से हादसा हुआ है, पुलिस अब क्या कर रही है इस पूरे मामले में? देखिए, ये ई रिक्शे पर सवार छात्र छात्राओं को ले जा रहा था और एक तेज रफ्तार कार ने इसको पीछे से टक्कर मारी, जिसके बाद बच्चे काफी ज्यादा घायल हो गए थे। इन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, मधुराज अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद रीजेंसी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन दुखद ये है कि एक बच्चे की मौत हो गई है इसमें। अन्य जो बच्चे घायल हैं उनका इलाज पुलिस करवा रही है और ई रिक्शा जो चालक था वो फिलहाल फरार है। आपसे कुछ देर पहले जब पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ई रिक्शा चालक को ढूंढा जा रहा है कि आखिर कितने बच्चे उसमें सवार थे, इस स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। लेकिन फिलहाल एक बच्ची जो कक्षा 6 में पढ़ती थी, कल्पना नाम की, उसकी दुखद मौत इस दुर्घटना में हो गई है। जी, शुक्रिया रतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।